हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़। आज आपको हम ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, तो उनसे उनका नाम जान लेते हैं और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है वो चीज़ उनसे पूछ लेते हैं। हेलो मैडम, नमस्ते। हेलो नमस्ते। आपका मेरा नाम पूजा शर्मा है। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज मुझे 14th डे है। 14th डे है। तो अभी अपन सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताई थी वो सारी अपन स्टार्टअप करके बताते हैं कि भाई कैसे चलती है। तो सारी चीज़ें अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। आपने कभी पहले गाड़ी चलाई है? नहीं, मैंने क्लास में आपके साथ फर्स्ट टाइम ही चलाई है। ठीक है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। हमारे नीचे तीन पैडल्स होते हैं, ए बी और सी, है ना। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। सीट पीछे ले लो थोड़ी हल्की सी ताकि व्यू आ जाए, है ना। और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, है ना। ठीक है, एक्सीलेटर गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम में आ रहा है, ब्रेक रोकने के लिए है। क्लच टू टाइम्स पे यूज में ले रहे हैं अपन। जब भी गेट चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं और एक ब्रेक लगा रहे हैं तो अपन क्लच दबाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सीट को आगे लो हल्का सा। गाड़ी चलाने से पहले हमें सीट की पोजीशन सेट कर लेनी है। ठीक है, अभी राइट वाला पांव तो आपका एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा, यस, है ना। लेफ्ट वाला आपका क्लच के लिए रिजर्व रहेगा, ओके। ठीक है, क्लच पूरा दबाना है और छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है। कई लोग क्या दबा के चलाते हैं, वो गलत प्रोसीजर है। ठीक है, ब्रेक हल्के हल्के लगाना है। ठीक है, नीचे का हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये गियर पे आते हैं। अभी आप ये न्यूट्रल पोजीशन में, न्यूट्रल ऐसे चेक करते हैं जैसे आप हिला रहे हो। ठीक है, अभी क्लच दबाओ, फर्स्ट लगाओ, अभी सेकंड लगाओ, ठीक है, थर्ड लगाओ, ठीक है, वेरी गुड, फोर्थ लगाओ, ठीक है, अभी फिफ्थ गियर लगाओ, राइट लेके और आगे, यस, अभी रिवर्स गियर लगाइए पीछे, हाँ यस, वेरी गुड, अभी न्यूट्रल कर लो, यस। ठीक है, अभी ये पार्किंग ब्रेक होता है, इसका दूसरा नाम हैंड ब्रेक होता है। इसको जब भी हम चलते हैं तो ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे कर लेते हैं और रोकते हैं तो जैसे नीचे करके दिखाओ, लगाते विदाउट बटन है ना, लगाओ, नोज की आवाज़ आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। स्टीयरिंग को कैसे होल्ड करेंगे हम? क्लॉक में 9:03 बज रहे हैं जैसे। ठीक है, अभी हॉर्न कहाँ से देंगे? बीच वाले को कहीं से भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, अभी इंडिकेटर स्विच कौन सा होता है? ये वाला, है ना। राइट के लिए किधर करेंगे? नीचे, है ना। लेफ्ट के लिए ऊपर, है ना। बीच में ऑफ हो जाता है, मिड में। चलती गाड़ी में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, अगर नहीं होता है तो अपन मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन इंजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्लच दबा के पाम ब्रेक पे करते हुए घुमाओ, बस एक बार और, वन सेकेंड। ठीक है, हो गया। अभी रुको एक मिनट, अभी स्टीयरिंग के रोटेशन बताता हूँ। मैंने आपको स्टीयरिंग के रोटेशन नहीं बताया ना, कि अंदर बैठ के टायरों की पोजीशन का कैसे पता चला चल सकता है। अभी तो अपनी है ना सीधी है, क्लच छोड़ दो, अब चाहे स्टार्ट हो गई ना। अभी राइट टर्न करो, पूरा स्टीयरिंग व्हील पूरा, ये वन सर्कल एंड देन टू सर्कल। ठीक है, अभी राइट इंडिकेटर ऑन कर दो नीचे। ठीक है, अब जैसे ही हम इसे सीधा करेंगे ना तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। करो ये वन सर्कल एंड देन ये टू सर्कल, तो हमारे टायर अब सीधे हैं, है ना। इससे हम अंदर बैठ के टायर की पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि हमारे व्हील सीधे हैं। ठीक है, अब लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो ऊपर, हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बिल्कुल, ये टू सर्कल है ना। अभी आप हमारे व्हील्स पूरे लेफ्ट में टर्न है, जैसा कि आप देख भी सकते हो गाड़ी के टायर बाहर निकले हुए हैं, तो अभी वापस सीधी करो, बिल्कुल ये हमारे टू सर्कल हो गए। ठीक है, अभी ये सीधी है। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है। पूरा अनुमान, हम कितनी देर में आगे पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड कितनी है, कि जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उस जजमेंट के आधार पर गाड़ी चलती है। दूसरी चीज़, ट्रैफिक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को गाड़ी चलानी आती है लेकिन ट्रैफिक सेंस की वजह से वो टकरा जाते हैं, तो कब लेफ़्ट टर्न कैसे लेना, राइट कैसे लेना है। लेफ़्ट नज़दीक से लेना होता है, राइट हमेशा लंबा लेते हैं आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। ठीक है, दूसरी चीज़, पूरा अनुमान बहुत ज़रूरी है, प्रीसेंस जो गाड़ी चलाने के लिए कि जजमेंट होना चाहिए, अगली गाड़ी में कितना डिस्टेंस है हमारी, उसकी स्पीड कितनी है, हमारी कितनी है। हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी, नहीं तो पीछे वाले नहीं रोक पाएंगे, उनके हाथ पांव फूल जाएंगे, वो टक्कर मार देंगे अपन को। ठीक है, आप चलाइए, ऑलरेडी स्टार्ट है, फर्स्ट गियर लगा लीजिए। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट, हाँ यस, अभी पीछे देख के और फिर चलिए धीरे धीरे, यस बिल्कुल, पूरा क्लच रिलीज कर दो, बिल्कुल, अभी फर्स्ट गियर में अबाउट 10 ले जाके सेकंड लगाओ आप, बिल्कुल, अभी अबाउट 10 जा रही है हमारी नीडल, यस वेरी गुड, अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करके, यस परफेक्ट है,
हॉर्न दीजिए एक बार। राइट साइड व्यू मिरर में देखो गाड़ियां हैं, ज़्यादा मत लो अभी, पाँव ब्रेक पे, अब चलो, अब मूव कर सकते हो आप, अब चलो, है ना, बढ़ाओ, हॉर्न दिया करो, अगले का ध्यान नहीं रहता ना तो अपन को बता, शो ऑफ कर देना, लेफ्ट साइड आ जाओ अपने, बिल्कुल देख के लेफ्ट साइड व्यू मिरर में गाड़ी है, इंडिकेटर ऑन कर लो, लेकिन आगे भी गाड़ी है, लेफ्ट में पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, राइट से ट्रैफिक को निकल जाने दो एक बार, बिल्कुल, अब छोड़ो क्लच एंड ब्रेक, फिर चलो, थोड़ा लेफ्ट आ जाओ, सही है। अभी हमारी गाड़ी फ्रेंड्स सेकंड गियर में चल रही है, क्योंकि निडल अभी 20 से बिलो ही है, 20 से ऊपर थोड़ा स्पीड इंक्रीज करो, फिर हम थर्ड गियर लगाएंगे, एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, गाड़ी स्ट्रेट रखते हुए, गाड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए गियर लगाते वक्त। सही है, उधर राइट साइड वाली फास्ट लेन होती है, इधर हम स्लो लेन में ड्राइव कर रहे हैं, 40 से अबाव हम राइट में लेंगे, बिल्कुल पाँव भी ब्रेक पेडल पे आ जाना चाहिए ऐसे में, है ना, बिल्कुल सही है। अभी वो पीछे से हॉर्न दे रही है, साइड दे देंगे मिरर में, देखिए आगे रेड लाइट है, अभी ग्रीन है स्ट्रेट जाने वालों की, तो अपन इजी गोइंग है, अभी हम चल सकते हैं, स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है, क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पे ले लो, स्लो कर लो थोड़ा, सेकंड गियर भी लगा लो, थर्ड से डाउन कर लो, अभी ग्रीन ही है तो चल सकते हैं हम, क्लच रिलीज करो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर लो एक्सीलेटर। दोस्तों हमें सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में पहले क्लच छोड़ना है पूरा, फिर उसके बाद में आफ्टर दैट हमें एक्सीलेटर लेना है, बिल्कुल स्लो कर लो, सेकंड ही ऑलरेडी, चल सकते हैं क्लच छोड़ के, बिल्कुल पूरा छोड़ो, इंडिकेटर अपना ऑन है तो ऑफ कर लो उसको, सही है। अभी अबाउट 20 जा रही है, थर्ड गियर लगा लो, वेरी गुड, क्लच थोड़ा और रिलीज करके अब चलिए, उधर साइड व्यू मिरर में देख लो, अभी स्पेस नहीं है तो हम इनके पीछे ही चलते रहेंगे, फ्रेंड्स गाड़ी चलाने के लिए क्या है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, दुर्घटना से देर भली चाहे अपन को टाइम लग जाए, 5-10 मिनट खड़ा रहना पड़े तो भी कोई इश्यू नहीं है, सही है। ओवरटेकिंग पे हमेशा हॉर्न देते हुए लेना है, जैसे कि मैडम दे रही है, और अभी हम आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे, तो आपने इंडिकेटर ऑन कर ही लिया, वेरी गुड, तो अभी लेफ्ट साइड व्यू मिरर में भी देख लेंगे एक बार, ऑटो है लेकिन वो बैक साइड में हमारे पैरेलल नहीं है, तो हम इजीली चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अभी वो ऑटो राइट साइड से आ रहा है, और यस गियर भी डाउन होगा हमारा थर्ड से सेकंड, बिल्कुल, और थोड़ा नियर बाय आओ लेफ्ट में, सही है, क्लच छोड़ दो पूरा, बिल्कुल, अभी स्टीयरिंग रोटेट करो, एक्सीलरेशन मत करना बस, बिल्कुल सही है, ऐसे ही रहेंगे, अब जैसे ही गाड़ी का फेस सीधा हो रहा है तो स्टीयरिंग भी आप सीधी कर लो अकॉर्डिंग टू रोड, अभी यस अभी सेकंड में है, अबाउट 20 ले जाके आप, बिल्कुल सही है, सही है, पूरा क्लच रिलीज करके फिर, अभी हम देख सकते हैं कि टू लेन्स हैं, बढ़िया आराम से, वो फास्ट है ये स्लो है, तो हम इसमें ड्राइव कर सकते हैं आराम से, ईजी गोइंग है, पोजीशन मेंटेन करते हुए चलना, हमारा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो ये कहता है लेन ड्राइविंग करिए और सुरक्षित चलिए, जैसे हम इस लेन में टर्न कर रहे हैं, चाहे मोड़ आए कैसा भी टर्न आए, पोजीशन यही रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि दूसरी लेन में आ गए या इधर आ गए, लेफ्ट में आ गए या राइट में आ गए, सेम पोजीशन ड्राइव करनी है हमें, आगे रोड नैरो हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी राइट साइड ले लेंगे देख के, राइट व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर में देख, बिल्कुल सही है, पाव ब्रेक पेडल पे ले लोगे, बिल्कुल सही है, सही परफेक्ट,
फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ रहा है, हमेशा साइन बोर्ड देखते हुए चलना है हमें। जैसा कि हम देख सकते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, आगे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी फैक्टर के लिए पाम ब्रेक पेडल पे ले लेना है। अभी क्रॉस कर लिए पूरे खतरे को, तो अभी क्लच छोड़ के फिर आप एक्सीलरेशन। यस, अभी रोड नैरो थी इसलिए हम फास्ट लेन में आ गए, कोई इश्यू नहीं है। अबाउट 40, अराउंड 40 चल रही है हमारी, इसलिए हम ड्राइव कर सकते हैं इसमें। पाम ब्रेक पेडल पे साइन बोर्ड बोल रहा है गैप इन मीडियन एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। यस, राइट देख लेंगे पहले, बिल्कुल चलो, इंडिकेटर देखे हमेशा लेन चेंज करते वक्त, बिल्कुल मिरर में भी देख के क्लच हटा लो पूरा। अब चलो और इंक्रीज करो स्पीड। थर्ड गियर में ड्राइव कर रहे हैं अपन, अभी आगे से राइट टर्न लेंगे अपन। वेरी गुड, इंडिकेटर दोस्तों हमेशा 100 मीटर पहले दे देना हमें इंडिकेटर, ऐसे नहीं कि आप सडनली दो। सडनली देने से क्या है, ना तो पीछे वाला संभल पाएगा ना आगे वाला, तो सबको पता रहना चाहिए थोड़ा देर पहले से कि ये गाड़ी उधर टर्न करेगी, तो वो अपना बैकअप अपने आप देख ले कि हाँ भाई हमें कैसे सेट होना है, कैसे एडजस्ट होना है, इसको कैसे स्पेस देनी है। ठीक है, स्लोली स्लोली जगह मिलती है तो लेंगे, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल हाँ सही, इसके आफ्टर दैट हाँ अब ले लो, ब्लॉक कर दो पीछे वाली को। यस वेरी गुड, अभी आगे हमारी थोड़ी लेट होएगी, अगली गाड़ी में और हमारी गाड़ी में कितना डिस्टेंस होना चाहिए अगली गाड़ी के व्हील्स दिखने। बिल्कुल वेरी गुड, अभी फर्स्ट गियर लगा लो फर्स्ट। यस वेरी गुड, अभी 32 सेकंड्स हैं, हमारी थोड़ी लेट ऑन होएगी, ओनली 13 सेकंड्स के लिए ही ऑन होएगी। बिल्कुल कितना डिस्टेंस हमारी गाड़ी में और अगली गाड़ी में रहना चाहिए। अब चलो एक्सीलेटर दो, छोड़ो क्लच और रिलीज करो। हाँ और रिलीज करो पूरा, सही है, और मूव करो, निकाल लेंगे। लेकिन ये यू टर्न ले रही है तो नहीं आ पाएगा, हमारा नंबर ऑफ हो गई है, तो हम रोक लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अभी मैडम का फ़ोन आ रहा है ड्राइविंग क्लास लेते हुए, लेकिन मैडम नहीं उठा रही है, क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह कोई देखता है कि बात कर लें, बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, प्रोहिबिटेड है ये चीज़ें, तो फ़ोन नहीं उठाना है। तो इन्होंने बिल्कुल उसको साइलेंट मोड पे कर दिया है, इन्होंने रिसीव नहीं करा है, ये थोड़ी देर बाद में जब गाड़ी रुकेगी तो ही रिसीव करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग यूज़ करते हैं फिर आगे पुलिस वाला फ़ाइन करता है, चालान करता है, उससे अच्छा है हमारी गाड़ी भी एक्सीडेंट हो जाए, इससे अच्छा हम यूज़ ही ना करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि भाई क्या चीज़ आपको, और आगे नए वीडियो में क्या चीज़ बताएं, किसके बारे में बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।